नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं DSSSB के लेटेस्ट अपडेट के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज है 12 अक्टूबर 2021 और समय हो चुका है रात के 7:30 बजे के आसपास का। DSSSB की तरफ से काफी सारी नई अपडेट आज की डेट में निकल के आ रही हैं, तो बिल्कुल विस्तार से देख लेते हैं DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके। सबसे पहली अपडेट तो ये आई है, जिनका 16 और 17 अक्टूबर 2021 को एग्जाम है उनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आप यहाँ जो ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ 16 और 17 अक्टूबर को एग्जाम किस किस का है, उसके बाद चलेंगे दूसरे नोटिसों की तरफ। ये देखिए 16/10/2021 और 17/10/2021 को, 16/10/2021 को एग्जाम है पोस्ट कोड 40/20 अलमाड़ का, 42/20 इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का, 41/20 इलेक्ट्रिकल ओवरसियर का, और 17/10/2021 को एग्जाम है पोस्ट कोड 32/21 स्पेशल एडुकेटर प्राइमरी का, 14/20 ड्राफ्टमैन का, 10/20 लीगल असिस्टेंट का। तो ये एग्जाम 16 और 17 तारीख में कंडक्ट कराए जाएंगे, इनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ कुछ नई और अच्छी अपडेट और आई है निकल के। EVGC मेल पोस्ट कोड 35/20 का रिजल्ट जारी कर दिया गया, मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। टोटल 198 वैकेंसियां थी और इनका एग्जाम 30/7/2021 को कंडक्ट कराया गया था। सिर्फ 467 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, अब इन सभी के मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। कैंडिडेट DSSBonline.nic.in पर विजिट करके अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। टोटल 70 कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्वालिफाइंग मार्क्स के बराबर या उनसे ज्यादा मार्क्स ले पाए हैं। इनमें से 68 कैंडिडेट को ईडोजर अपलोड करने के लिए सिलेक्ट या शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो आप यहां से देख सकते हैं कट ऑफ इस प्रकार से रही है। अगर आपके मार्क्स इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अनरिजर्व कैटेगरी से 120.4, ओबीसी से 105.35, एससी से 90.55, एसटी से 99.83, और ईडोजर अपलोड करने के लिए लिंक एक्टिवेट रहेगा 14/10/2021 से और 28/10/2021 तक। इसके बाद एक बड़ा नोटिस और जारी किया गया है, ग्रेड 2 डास पोस्ट कोड 81/17 से जुड़ा हुआ। तो ये काफी लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की गई है कैंडिडेट्स की। ये रोल नंबर है, ये कैटेगरी है और ये रिमार्क्स है। तो रिमार्क्स में उन डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है जो इन कैंडिडेट के अभी पेंडिंग में है। तो इन कैंडिडेट को एक मौका और दिया जा रहा है अपने ये पेंडिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। ये देखिए काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, काफी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके डॉक्यूमेंट पेंडिंग में। टोटल 30 कैंडिडेट की यहाँ लिस्ट जारी की गई है और इन्हें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए समय दिया जा रहा है 13/10/2021 से और 22/10/2021 तक का। तो आप ये देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ ड्राइवर DTC पोस्ट कोड 65/9 से जुड़ा हुआ एक रिजल्ट नोटिस जारी किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं सिर्फ एक कैंडिडेट से जुड़ा हुआ ये नोटिस है, अगर आपने उस समय ये एग्जाम दिया था ड्राइवर की पोस्ट के लिए। तो ठीक है दोस्तों, ये आई थी कुछ अपडेट DSSSB की तरफ से निकल के, जो आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर की गई। वीडियो अच्छा लगा तो आप भी इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।